हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे बनाते हैं और बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पेज बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमको जाना है पेज लेआउट में। वो कहाँ मिलेगा? राइट साइड में, यहाँ देखिए नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। ये छोटे छोटे तीन आइकॉन आपको दिख रहे हैं, ये है नॉर्मल, ये है पेज लेआउट और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हमको जाना है पेज लेआउट पे, यानी कि बीच वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लेआउट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि फर्स्ट वाले पेज पे हमें बॉर्डर बनाना है, तो हमने यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिया, यानी इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट कहाँ मिलेगा? ऊपर के रिबन में, यहाँ देखिए ये है पेज लेआउट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए मार्जिन का ऑप्शन है, ऑप्शन है, ठीक है, मार्जिन का ऑप्शन है। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ से नैरो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए नैरो दिख रहा है आपको, नैरो सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो सेल्स बने हैं वो लगभग पूरे पेज पे आ गए। थोड़ा सा मतलब पहले जगह ज़्यादा छूट रही थी, अब थोड़ी कम यहाँ पर मार्जिन बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नैरो मार्जिन जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पहले सेल पे क्लिक करिए और सेलेक्ट कर लीजिए लास्ट तक। ये देखिए हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से उसी तरीके से नीचे जिस पेज पे बॉर्डर बनाना है उसको हमें लास्ट तक ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमको जाना है होम पे, यानी होम टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, होम टैब पे जाइए और यहाँ से हमें फॉन्ट वाले सेक्शन में इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉन्ट सेटिंग का ये एरो देखें, आप छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स का ये विंडो आप देखिए ओपन हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको क्लिक करना है बॉर्डर पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेटिंग देख लीजिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। बॉर्डर पर हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमको लाइन में अपने चॉइस के हिसाब से जो भी लाइन, मतलब जिस तरीके का भी बॉर्डर आपको रखना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए हम थोड़ी सी थिक लाइन ले लेते हैं, यानी ये थोड़ी सी जिसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो, ये लाइन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कलर डिसाइड कर लेते हैं, कलर मान लीजिए कि हम रेड रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कलर रख लिया। अब यहाँ पर देखिए आउटलाइन वाला बॉक्स हमें सेलेक्ट करना है, ये देखिए ये वाला बॉक्स जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे सैंपल दिखा भी रहा चारों तरफ, ये देखिए बॉर्डर बन करके आ गया। अब यहाँ से ओके पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि बॉर्डर इस पेज पे बन जाएगा। ये देखिए हमने ओके पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर यहाँ पर बन करके आ गया। एग्जैक्टली आपको देखना है तो कंट्रोल के साथ पी, यानी कि प्रिंट ऑप्शन ओपन करिए और आपको आपका पेज बॉर्डर दिख जाएगा। ये देखिए